एक बार की बात है, एक जंगल में शेरनी और गाय रहते थे। जंगल के बीच में से एक नदी भी गुजरती थी। एक तरफ गाय रहती थी तो दूसरी तरफ शेरनी। शेरनी बहुत भूखी थी, वो अपने शिकार को इधर उधर ढूंढती रहती थी। एक बार दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। गाय दो दिन छोड़कर नदी में पानी पीने जाती थी, क्योंकि उसे पता था वहाँ एक शेरनी भी रहती है। शेरनी और गाय के बच्चे में गहरी मित्रता हो गई थी। वे दोनों रोज़ाना साथ में ही खेलते थे और इस बात से दोनों की माताएं अनजान थीं। एक बार गाय नदी किनारे पानी पीने जाती है, वहीं से शेरनी उसे देख लेती है और अचानक उस पर हमला कर देती है और अपना भोजन बना लेती है। इधर गाय का बच्चा भूखा प्यासा अपनी माँ को जंगल में ढूंढता रहा, परंतु उसे अपनी माँ कहीं नहीं मिली। शेरनी का बच्चा पूछता है, हे मित्र, तुम इतने उदास क्यों हो? इतने में गाय का बच्चा कहता है, मेरी माँ नहीं मिल रही और मैं बहुत भूखा हूँ। शेरनी का बच्चा कहता है, यदि तुम्हारी माँ नहीं मिलेंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा। फिर दोनों इधर उधर जंगल में ढूंढने लगते हैं। इधर शेरनी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी कि कब मेरा बेटा मिले और मैं उसे दूध पिलाऊँ। जैसे ही उसे उसका बच्चा मिलता है, उसे वह अपने पास बुला लेती है और दूध पीने को कहती है। परंतु उसका उदास चेहरा देखकर शेरनी पूछती है कि बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? शेर कहता है कि माता, मेरे मित्र की माँ नहीं मिल रही और वो भी भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा है। शेरनी पूछती है, कौन है तुम्हारा मित्र? शेर कहता है, एक बछड़ा। शेरनी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो वह खा गई, इसलिए कहती है कि जिद मत करो, अपनी भूख मिटा लो पहले। परंतु शेर नहीं मानता। इस पर शेरनी को सच बताना ही पड़ता है। ये सब सुनकर शेर को अत्यंत गुस्सा आता है और वो अपनी माता को भला बुरा कहकर जंगल से निकाल देता है। अब दोनों अकेले ही उस जंगल में गुजारा करने लगते हैं। बछड़ा तो घास फूस खाकर अपना काम चला लेता है, परंतु शेर छोटे मोटे कीड़ों को खाता है। शेर कभी भी उसके सामने किसी को मार कर नहीं खाता था, क्योंकि वो ठहरा शाकाहारी और वो मांसाहारी।